क्वेश्चन नंबर 12, 2 मार्क क्वेश्चन। इसमें फिर से आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है। फर्स्ट है, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। एक डाई को कितनी बार थ्रो किया हमने? 6 टाइम्स। इसका मतलब कि एक्सपेरिमेंट हुआ हमारा 6 टाइम्स। इफ़ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, सक्सेस कब मिली? जब ऑड नंबर आएगा। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस एंड एट मोस्ट 5 सक्सेसेस। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट कितनी बार हुआ? 6 टाइम्स। दैट मीन्स एन इज इक्वल टू 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसे हम पी से डिनोट करते थे, क्या है वो? ऑड नंबर। एक डाई को थ्रो करोगे तो ऑड नंबर कितने आएंगे? 3। तो दैट इज 3/6, दैट इज हाफ। और क्यू क्या हो जाता है? 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस हाफ, दैट इज अगेन हाफ, बिकॉज पी प्लस क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 5। हमने इसमें फॉर्मूला किया हुआ है, दैट इज एन सी आर। एन है 6, राइट? आर क्या है? 5। सक्सेस रेज टू पावर आर और फेल्योर रेज टू पावर एन माइनस आर, दैट इज 1। तो यहाँ से आपके पास 6 × 5 कितना आ जाएगा? 1 × 1/2 raised to power 6। तो ये आपके पास है 32। और 6 × 5 एक बार सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 6 × 5 × 1। तो 6 × 5 × 1 ये कैंसिल आउट, क्या बच रहा है? 6। और 2 raised to power 6 आपके पास क्या होता है? दैट इज 64। तो ये आपके पास आ गया 3/32। पहला आंसर आ गया आपके पास। सेकंड पार्ट में उसने आपसे क्या पूछा? एट मोस्ट 5 सक्सेसेस। एट मोस्ट 5 सक्सेसेस का मतलब क्या होता है? कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम हो सकती हैं। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितनी बार एक्सपेरिमेंट हुआ था? 6 टाइम्स। तो अगर 1 में से हम 6 का केस माइनस कर दें तो यही बचेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने क्या किया, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से 6 का केस माइनस कर दिया, बाकी जो बचेगा वो 0 to 5। तो 1 − 6 C6, सक्सेस रेज टू पावर R एंड Q रेज टू पावर N माइनस R। ये भी 1, ये भी 1 और ये 1/64। तो आंसर इज 63/64। तो ये आपके पास 2 पार्ट्स थे, 1 मार्क इज फॉर दिस एंड 1 मार्क इज फॉर दिस। इसी में सेकेंड पार्ट जो आपके पास है ऑप्शन में, दैट इज़ वेरी सिंपल। द रेंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम कॉन्स्टेंट। अब आपके पास क्या गिवन है कि k कोई कॉन्स्टेंट है और हमें k की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो देखो ये क्वेश्चन इस टाइप से है, हमें पता है कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है? 1। यहाँ x, तो यहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर x 0 है तो प्रोबेबिलिटी k, अगर 1 है तो 2k, अगर 2 है तो 3k, और अगर अदरवाइज मीन्स 2 से ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। सो दिस इम्प्लाइज सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। तो 6k इज इक्वल टू 1, देन k इज इक्वल टू 1/6, दैट इज योर आंसर, राइट?